मंदसौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा क्षेत्र 224 से तीसरी बार अपना नामांकन पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ नामांकन रैली में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं विशाल जनसमूह के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारियों को अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। पिछले दो सालों से देश की राजनीति में चर्चा में रहा मंदसौर विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मंदसौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह सरकार में उद्योग मंत्री रहे नरेंद्र नाहटा कांग्रेस से उनके सामने उम्मीदवार हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी विकास और प्रदेश की अच्छी स्थिति और शिवराज सिंह सरकार में हुए कामों को जनता तक पहुंचाकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस किसान आंदोलन की पीड़ा को दोहराकर और बेरोजगारों युवाओं के मुद्दों पर अपने लिए वोट बटोरने का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी फूट और अपनी ही पार्टी से नाराज कार्यकर्ता जो टिकट वितरण में हुई पीड़ा को नहीं सहन कर पा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर कांग्रेस के ऊपर आने वाला है। ये सीट जितना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। यहाँ से जो राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं, जिससे मंदसौर विधानसभा से यशपाल सिंह सिसोदिया एक बार पुनः अपनी सीट को जीतने में सफल दिखाई दे रहे हैं। जो है केंद्र की फिर से हथिया लो, मध्य प्रदेश की फिर से हथिया लो, और आप अभी देख रहे होंगे कि बिना बैंड बाजे बारात के जो है वो दूल्हा घूम रहे हैं बाहर, और एक दर्जन से ज्यादा मैं भी प्रधानमंत्री, मैं भी प्रधानमंत्री, मैं भी प्रधानमंत्री, मैं भी प्रधानमंत्री।